मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है। जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे, प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, मुझे तो ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूँ कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूँ। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में, बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूँ। जहाँ तक दूसरी बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की ज़रूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें RJD सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज़्यादा से कैबिनेट में हैं और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। देखिए, ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना, इनकी ये पुरानी फितरत है। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं भी मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पर तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं, तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया? तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, आठवां मोर्चा की बात नहीं है। मोर्चे तो बनते ही बिगड़ते रहे, चुनाव होता ही है, चुनाव कोई ना कोई जीतता ही है। और आज से नहीं, पिछले 50 साल में 27 से ज्यादा लोग बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, उससे तो बिहार नहीं सुधरा।